बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं भाई मुख्तलिफ वीडियोस आपके साथ वीज़ो के मतलब भी शेयर करता रहता हूँ मैं, यानी कि कल एक वीडियो मैंने शेयर की थी वीज़ो के मतलब ही, और इसके अलावा भी बहुत सी वीडियो मैंने शेयर की हुई हैं आपके साथ वीज़ो के, जो मौजूदा रेट होते हैं, क्या हिसाब किताब है, कितने का वीज़ा मिल रहा है, क्या रेट है। अच्छा, बात यह है जी कि आप अगर सऊदी अरब का वीज़ा इस टाइम लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या रेट मिलेगा इस वक्त, किस वीज़े के हिसाब से, ठीक है जी। बाकी आपको मैं आज एक साए खास का वीज़ा है जी, इन भाई साहब को माशाल्लाह बहुत ही बेहतर रेट में मिला है, कैसे आपको बता देता हूँ मैं। देखें, एक बात ये है जी कि मैं आपको इनके मैसेज भी सुना दूंगा कि अगर हम साए खास आमल मंजली इसी से रिलेटेड किसी भी छोटे महीने वाला हार्स वगैरह वाला अगर आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो उसका भाई इस वक्त जो रेट है 6000 रियाल प्लस भी बता रहे हैं, 7000 का मिल जाए आपको, 8000 रियाल का मिल जाए, इसी अराउंड में है, ठीक है जी। अगर आप फर्दी मुसस्से का जिसमें चार अमाल होते हैं सऊदी के अंडर और उनका इकामा तो सस्ते में बनता है, यानी कि साए खास आमल मंजिल का जितने में इकामा बनता है तो उसी हिसाब से बनता है, लेकिन महीना बड़ा होता है, ठीक है जी। फर्दी मुसस्सा उसे बोलते हैं, उनका जो वीज़ा है वो 9000 रियाल, 10000 रियाल, 12-13000 रियाल भी मांग लेते हैं कफील के हिसाब से बहर, तो वो उनका जो वीज़ा है वो उसका रेट ये है, लेकिन उनका महीना बड़ा है, आपको शुरता ज़्यादा तंग नहीं करेगा। साए खास आमल मंजिली को आपको पता कहीं शुरता देख ले तो पूछ कुछ शुरू कर देता है, किधर जा रहा है, किधर घूम रहा है, इधर क्या लेने आया, फील किधर का, ये वो। तो अगर इसके अलावा आप बाहर से वीज़ा लेते हैं आमल वगैरह वाला, यानी कि कहीं से भी वो भाई, फिर किसी कंपनी वगैरह का वीज़ा हो और बाहर आप काम करें तो उसकी तो भाई इकामे की फ़ीस ही बहुत है, यानी कि 10000 रियाल में अराउंड में उसका इकामा तजदीद होता है, ऊपर से कफील को देने वो मुख्तलिफ है। फर्दी मुसस्से का जो इकामा है वो भाई कफील से ले दे करके ना 6500 रियाल में बन जाता है एक साल का। आमल मंजिली एंड साए खास का भी आपको पता है इतने का ही बनता है। और इसके बाद जी अभी मैं आपको ये मैसेज सुना देता हूँ, मैं साए खास के मतलब हम बात कर रहे थे, जैसा कि आप इनके मैसेज सुन लें फिर आपको बता, आप खुद ही समझ जाएंगे यार साए खास का वीज़ा बेस्ट मिला है इनको मेरे हिसाब से, ऊपर से इनको एक टेंशन नहीं होने वाली है, क्या आप सुन लें। यार वीज़ा मैंने दोस्त है, ठीक है, वहाँ पे एक दोस्त के जरिए मैंने ये लिया, तो वीज़ा जद्दे का है। पहले मैंने 1.5 साल मदीने में लगाए हैं और 2 साल जद्दे में लगाए हैं, अभी ये वीज़ा जद्दे का है, कफील भी जद्दे का है, ठीक है। दोस्त है तो उसने बताया, ड्राइवर है, मैं भी खुद ड्राइवर, आगे ये जो ड्राइवर वीज़ा लेके देगा ये भी दोस्त है, तो आपको पता ही आप ही गाइड गा करते रहते हैं और अभी हम आपको भी सुनते रहते हैं, इधर उधर से भी सारा सुनते रहते हैं, पता है तकरीबन आपको पता बेहतर आप जानते हैं मुझसे कि वीज़ा 3.5 से 4 लाख तक मिल रहा है, लेकिन आपको पता है बीच में जो वीज़ा लेके देते हैं ना वो अपना कमीशन और पैसे लेते हैं और पैसे रखते हैं, तो हो सकता है वीज़ा कफील ने तो मेरे हिसाब से उनको वीज़ा फ्री दिया है, लेकिन जो दोस्त मुझे लेके दे रहा है ना वो उसने मेरे साथ डिमांड किया, वायदा किया कि मैंने दोस्त को बोला था कि यार मेरे को वीज़ा चाहिए ना, इस तरह पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, परेशान हूँ, वीज़ा मुझे चाहिए और लाजमी चाहिए, तो दोस्त ने बोला कि वीज़ा है तो पैसे लगेंगे, मैंने कहा ठीक है यार कोई मसला ना, वालों का पैसे तो लगाने हैं वो तो लगेंगे, लेकिन पाकिस्तान जलील होने से धक्के खाने से बेहतर सऊदी, ठीक है, पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, 4 महीने हो गए मुझे इंडियाई पे आए हुए, हालात बहुत डर जा रहे हैं ना, तो इधर 24-25 हज़ार तनख्वाह ड्राइवर की, मैंने कहा यार उसको वीज़ा निकलवाओ, तो पैसे तो चलो लगते हैं लगेंगे, लेकिन उधर जाके कमा लेंगे पूरे हो जाएंगे, 4-6 महीने में पूरे हो जाएंगे, तो उसने मेरे साथ इतफाक़ किया कि 2.5 लाख रुपये पाकिस्तान में दो, बाकी आपका टिकट, मेडिकल, फिंगरप्रिंट और ये वीज़ा लगवा दीजिए, खर्चा अलग है, यानी तकरीबन मुझे 4.25 लाख में मिल रहा है वीज़ा, ये सारा खर्चा वर्चा सारा करके तकरीबन 4.25 लाख, तो ये भी दोस्त का उसकी मेहरबानी है, शुक्रिया कि लेके दे रहा है, मतलब वो वीज़ा किसी और को देते तो मैं तो बैठा रहता, पता नहीं वीज़ा कब मिलता क्या होता, अभी वीज़ा थोड़ा टाइम से मिल गया, वापसी जल्दी हो जाएगी, हालात बहुत ख़राब है, कुछ कर्जा भी है, फिर मैंने मजबूरी की तरह ले लिया, तो जो दोस्त का वीज़ा जो दे रहे हैं ना 2.5 लाख रुपये वो ले रहे हैं, बाकी मेरा अपना जहाज का टिकट शिकट मेडिकल बाकी वहाँ पर, मेरे हस्बैंड आपको भी मैसेज किया था उस टाइम, मैंने कपाल वगैरह भी कराना था, थोड़ा मेरा मसला बना था, काम की रूटीन गलत थी, आपको भी मेरे घर में बोला था कि अगर वो वीज़ा हो तो बताना, और भी दोस्तों को बोला हुआ था कि आपको वीज़ा शीज़ा हो तो बताना, तो ये दोस्त है तो उसने बोला वीज़ा है लेकिन पैसे देने होंगे, मैंने कहा ठीक है चलो पैसे तो दूंगा तो काम होगा, वरना किधर होता है काम, वो वीज़ा मुझे नहीं किसी और को दे देंगे, चीन से पैसे मिलेंगे, हालात पाकिस्तान के आपको पता है, और मुझे तो 4 महीने से दिन में तारे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, हालात इस तरह के हैं, तो वही अच्छा है यार 4-6 महीने बाहर जाके मेहनत करेंगे, कमा लेंगे, पैसे पूरे हो जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा, 4-6 महीने तो रगड़ा हो। अच्छा, मैसेज तो काफ़ी लंबा है, मैं अगर थोड़ा और लंबा होता जाएगा। अच्छा भाई साहब, एक तो बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि भाई पाकिस्तान में 4-6 माह हो गए, मुझे भी पता दिन में तारे दिख गए, यकीन कीजिए पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही हालात हैं, खासकर जो हम भाई बाहर से आते हैं तो ये तो बखूबी जानते हैं परदेसी भाई, इसलिए मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये जिक्र करता हूँ, तो यार फाइनल एग्जैक्ट मत आओ, हाँ अगर आपका भाई सेटअप अच्छा है तो फिर आ जाओ, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता,
आप मेरे जैसे भाई जो बंदे हैं ना, फाइनल एग्जिट मत आए, बेहतर यही है। अच्छा अभी वीजा सहायक खास आपने सुन लिया जी, 2.5 लाख रुपए में दिया, इनका दोस्त है, दोस्त ने यकीन कीजिए बहुत अच्छा काम किया है इनके साथ, ये एहसान मंद है उनके। मैं अगर सीधी बात करूँ तो देखें 1700 रियाल इसका, इस वीज़े का इनको बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं देखें उसने 2.5 लाख का इनको वीज़ा दिया है, ठीक है ठीक है, उसने जो भी लिया उसमें से यार देखें मार्केट से तो उसने तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए इनको वीज़ा सस्ते में दिया है, और बाकी जो खर्चा मर्चा इनका पाकिस्तान में डालकर इनको तो 4 लाख या 4 लाख 20-25 हज़ार में ये सऊदी पहुँच जाएंगे। 1700 रियाल सैलरी है, बकायदा उसी कफील के पास काम करना है, 1700 रियाल सैलरी है, उसके अलावा आपको पता रूम वगैरह वो दे देते हैं और खाने पीने का भी सामान वगैरह कुछ मिल जाता है। तो बहरहाल वो बोल रहे हैं खा पी के भी मैं अगर बचाऊंगा तो कोई 1000-1200 रियाल तो बचा ही लूंगा। तो बहरहाल बेस्ट है जी इनके लिए। साई खास का अक्सर बंदे वीज़ा ले लेते हैं, आज़ाद काम करेंगे तो उसमें पैसे तो वो बिल्कुल जायद कमा लेते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है मुश्किल भी होती है, अगर कहीं छूटते ने पकड़ लिया तो फिर भाई और डीपोर्ट कर देते हैं, डीपोर्ट बंदा ऊपर से बंदे के ऊपर पाबंदी भी लग जाती है। तो साई खास के जो मौजूदा रेट है ना वीज़ों के, वो 5000 रियाल 6000 रियाल से लेकर 7-8 हज़ार रियाल तक चलते हैं, और अगर आप किसी ऐसे बंदे से भाई से वीज़ा ले लें, घर की ड्राइवरी अपने करनी हो बशर्ते कुछ सऊदी की, तो फिर वो वीज़ा दे देते हैं जी और फ्री में दे देते हैं, और कुछ ले दे लेके थोड़ा बहुत कर लेते हैं। यकीन कीजिए मुझे खुद से एक सऊदी निकाल की मक्का से, और मुझे बोल रहे थे कि आपका नंबर मुझे एक भाई ने दिया बकाला वाला ने, कोई मेरी किसी ने वीडियो देखी होगी तो उसने नंबर दे दिया, तो मुझे वो भी वीज़े के मुतालिक बोल रहा था कि मैं तो तू आना चाहता है तो आ जा मैं तेरे को फ्री वीज़ा देता हूँ। मैंने उसको बोला नहीं मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं किसी और बंदे के मुतालिक भी नहीं बता रहा था, क्यों यार आगे से पता नहीं सऊदी कैसा निकलता है कैसा नहीं, तो फिर इसलिए मैंने उनको माजरत कर ली उनसे। बहरहाल मौजूदा वीज़ों के ये रेट हैं जो मैंने आपको बता दिया।